हेलो गाइस स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस फर्स्ट हमेशा खुश रहो ऑलवेज बी हैप्पी ऑलवेज बी हैप्पी हमेशा ईमानदार रहो ऑलवेज बी ऑनेस्ट ऑलवेज बी ऑनेस्ट यह संभव है दिस इज पॉसिबल दिस इज पॉसिबल कोई बात नहीं नो प्रब्लम नो प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मुझे लेने दो लेट मी टैक इट लेट मी टैक इट हरगिज नहीं नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल मुझे बहुत अफसोस हुआ आई एम वेरी सॉरी आई एम वेरी सॉरी अपने सारे काम कर लो फिनिश ऑल योर वर्क फिनिश ऑल योर वर्क बस एक काम बचा है ओनली वन वर्क इज लेफ्ट ओनली वन वर्क इज left. मुझे खुद को बदलना है आई हैव टू चेंज माई सेल्फ आई हैव टू चेंज माई सेल्फ तुम्हारी इतनी हिम्मत हाउ dare यू हाउ डेर यू उसने मुझे देख लिया ही saw मी ही saw मी मैं रास्ते में हूँ आई एम ऑन द वे आई एम ऑन द वे उसने मुझसे कहा ही टोल्ड मी उसने मुझसे कहा ही टोल्ड मी सब कुछ ठीक है एवरीथिंग इज फाइन एवरीथिंग इज फाइन तुमने क्या किया वॉट डिड यू डू वॉट डिड यू डू क्या तुम फ्री हो आर यू फ्री आर यू फ्री यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इट्स अ बिग डील फॉर मी इट्स अ बिग डील फॉर मी बोलने से पहले सोचो थिंक बिफोर यू स्पीक थिंक बिफोर यू स्पीक लानत है तुम पर सैम ऑन यू सैम ऑन यू कुछ भी हो सकता है एनी थिंग कैन हैपन एनी थिंग कैन हैपन इसका कोई हल नहीं है देर इज़ नो सोल्यूशन टू दिस देर इज़ नो सोल्यूशन टू दिस तुम कुछ नहीं जानते यू डोंट नो एनी थिंग यू डोंट नो एनी थिंग मेरे लिए बिस्तर लगा दूँ मेक अ बैड फॉर मी मेक अ बैड फॉर मी मुझे जरूरी काम है आई हैव इंपॉर्टेंट वर्क आई हैव इम्पोर्टेंट वर्क नाम मत कहूँ डोंट से नो डोंट से नो मैंने यह तुम्हारे लिए किया I did it for you. I did it for you. क्या तुमने कोशिश की? Have you tried? Have you tried? जोर से बोलो. Speak loudly. Speak loudly. मैं जाने वाला हूँ. I am going to go. आई एम गोइंग टू गो पहले मुझसे वादा करो प्रॉमिस मी फर्स्ट प्रोमिस मी फर्स्ट मुझे गलत मत समझो डोंट गेट मी रॉन्ग डोंट गेट मी रॉन्ग आप मेरे लिए खास हैं इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें थैंक्स थे। थे। फॉर वॉचिंग